गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू थर्ड एपिसोड ऑफ द कोंकण सीरीज। लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि हम गए थे वसई फोर्ट, वहां से हम गए थे बल्लाळेश्वर टेम्पल जो कि है पाली में, और नाइट स्टे के लिए हम आ गए थे मुरुड। रात को तो मैं आपको होटल का टूर ठीक से नहीं दे पाई क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो चुका था, तो अब मैं आपको मॉर्निंग टूर दे देती हूँ। तो ये जो होटल है, होटल सी शेल मुरुड, बिल्कुल बीच से शायद सिर्फ 100 मीटर्स की दूरी पर है, और हमारा जो रूम है वो सी व्यू रूम है। यह एक फैमिली फ्रेंडली होटल है और इस होटल में स्विमिंग पूल, लॉन, चिल्ड्रन प्ले एरिया जैसी फैसिलिटीज़ भी हैं। मुरुड जंजीरा सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक होने के नाते यहाँ पे बीच पर हमेशा ही भीड़ रहती है, पर आज मुझे ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि हम बिल्कुल सुबह सुबह बीच पे आ चुके हैं और यहाँ पे बहुत ही कम लोग हैं। मैं एक परफेक्ट शॉट का वेट कर रही हूँ कि ये पक्षी उड़े और उनका एक बहुत ही सुंदर सा उड़ता हुआ शॉट मैं लूँ और मैं वो आपको भी दिखाऊँ। समुद्र तट पर चलते समय मैं जंजीरा फोर्ट का दूर तक का दृश्य देख रही हूँ, पर फॉगी क्लाइमेट की वजह से आई डोंट नो ये कैमरा में कितना कैप्चर हो रहा होगा, बट मुझे यहाँ पे हल्की सी शैडो दिख रही है। इस नज़ारे ने मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ा दी हैं इस पूरे टूर से, सो आई होप आगे भी इसी तरह के बीच हो या शायद इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छे बीच हो। आई फील सो ग्लैड दैट आई एम एट दिस प्लेस एंड लुकिंग एट दिस ब्यूटिफुल सनराइज थ्रू माई आईज एंड ऑल्सो शोइंग इट टू यू। और भी एक इंटरेस्टिंग बात मैं बता दूं कि ये हमारी ट्रिप का सबसे पहला बीच है। अब यहाँ से निकलने का समय हो चुका है और हम बढ़ रहे हैं आगे टूवर्ड्स जेटी। अगर आप मुरुड आना चाहते हैं और ट्रेन से आना चाहते हैं तो मुरुड का सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है वो है रोहा, जो 23 किलोमीटर्स की दूरी पर है। रोहा स्टेशन पर मुंबई से आने वाली कई ट्रेन्स का कनेक्शन आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आप मुरुड जंजीरा बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो यहाँ का सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है मुंबई, तो मुंबई तक की फ्लाइट लेके आगे का सफ़र आप रोड से तय करके मुरुड तक आसानी से पहुँच सकते हैं। जैसे जैसे और आगे बढ़ते जा रहे हैं मैं देख सकती हूँ कि जंजीरा फोर्ट धीरे धीरे फॉग से बाहर निकलता हुआ काफ़ी क्लियर अब दिखाई दे रहा है। किले में जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है बोट राइड, और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे सैलानी जो कि बहुत ही एक्साइटेड लग रहे हैं किले पर पहुँचने के लिए। वीडियो में तो शायद आपको नहीं सुनाई देगा पर ये लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं और बहुत ज़ोर से चिल्ला रहे हैं बिकॉज जो वेव्स हैं वो काफ़ी रफ हैं और जो बोट है वो एक्चुअली बहुत हिल रही है।
जंजीरा किला एक समुद्री किला है जिसे मलिक अंबर ने बनवाया था, जो अहमदनगर के सुल्तान की सेवा करते थे और प्रसिद्ध निजाम शाही वंश के थे। महाराष्ट्र के तटीय शहर मुरुड के पास अरब सागर में एक द्वीप पर स्थित यह निश्चित रूप से भारत के सबसे प्रभावशाली किलों में से एक है। इसे 17वीं शताब्दी के अंत में बनवाया गया था। मुरुड जंजीरा किला एक शक्तिशाली किला है जो महाराष्ट्र में अलीबाग से 55 किलोमीटर दूर मुरुड के तटीय गांव के पास एक द्वीप पर स्थित है। मुरुड जंजीरा का किला सिद्धियों के छोटे लेकिन शक्तिशाली गढ़ की कहानियां बताने का प्रमाण है। थोड़ी ही देर में हम अगरदंडा जेटी पर पहुंच जाएंगे और उससे पहले रास्ते में बहुत ही सुंदर नजारे हैं। ये बोट्स आप देख सकते हैं जो फिशिंग के लिए यूज की जाती हैं। कोंकण क्षेत्र में फिशिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन है और सी फूड लवर्स के लिए यहाँ पे बहुत वैरायटीज हैं। सिद्धि हेरिटेज 500 साल पुरानी कब्रें। इस मकबरे में महान सिद्धि शासक सुरुल खान और दो अन्य सिद्धि कमांडर की कब्रें हैं। परिसर में एक मस्जिद और अफ्रीकी मूल का एक बाओबाब पेड़ है। अब यहाँ से निकलते हैं और बढ़ते हैं अगरदंडा जेट्टी की तरफ, क्योंकि हमें जाना है फेरी क्रॉसिंग के लिए। और इस वीडियो को हम अब यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको थोड़ी जानकारी भी मिली हो आपके नेक्स्ट ट्रिप के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। डू लाइक आवर वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वंस अगेन।